यमडी म्यूजिक फिल्म्स चैनल के वीडियो देखे खातिर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन के दबाएं। मित्रों, भोजपुरी विरहा के गायक हम रमेश चंद्र यादव चिरैया कोटमऊ अपने और अपनी पार्टी की ओर से आप भोजपुरिया भैया लोगों के पांच होके पलगी करता नहीं और यह एक रामायण की नई विरहा बिल्कुल नई मैं आपके सामने भेज रहा हूं। हमें भरोसा है, विश्वास है, उम्मीद है कि आपका भरपूर स्नेह प्यार हमें मिलेगा और यह भी रहा आप एमडी म्यूजिक गाजीपुर अजीत यादव की देखरेख में यह प्रस्तुत है। चार लाइन भूमिका में भाव है कैसे मास्टर? अरे भाई देवतायो असुर में हुआ युद्ध भारी जंग जौहरी के अपने दिखाने लगे दूजे के खूनों के प्यासे बहादुर जे हिम्मत से हस्ती हिलाने लगे असुरों का दब दबा जे बना वीरता से देवताओं का छक्का छुड़ाने समर में मदद है तू अब भावित भोला जाके दशरथ शेर जी सुनाने लगे बात उस समय की है। एक बार देवता देवलोक में है दैत्य चढ़ाई कर दिए प्रमाण मिलता है दैत्यों और देवताओं के बीच में घोर संग्राम हुआ परिणाम स्वरूप दैत्य विजयी रहे देवता हार गए। देवता जब देवलोक छोड़कर भागने लगे यही मृतलोक के धरती पहिलन राजा दशरथ के लगे सारी समस्या से अवगत करौलन अपनी बात को रखे उस में राजा दशरथ कैलन का मास्टर एक लाइन यहाँ गजल का भाव बा अरे खुद ही ओ अब खुद ही ओ परेशान क्या खुद ही ओ परेशान मुझको याद माने
बढ़िया बात कभी जे हमरे विरहा में लिखत हमन उ आपके लायक हमरे लायक पूरी दुनिया के लायक का कहलन। अरे सम्मान के बिना जग में मर्दों का व्यर्थ जीना सम्मान के बिना जीना क्या कोई जीना है। पुनः जाइए आप लोग अपने घर पर, समस्या होगी तो अवगत कराइएगा। पुनः देवता फिर देवलोक को चले तब तक दैत खदेड़ लिए। अजय विवाद के राजा दशरथ सुनलन है क्रोधावेश में हुए तने उठा के अवलाल तो कैसे जाके तूफान कर दिए। घनघोर असुर देव में संग्राम हुआ, दोनों दलों में युद्ध घमासान हुआ। दशरथ के वीरता से लाचार हो गए, विवस लाचार रण में असुर हो गए। भयभीत भागे दानव सब छोड़ लड़ाई, भयभीत भागे दानव सब छोड़ लड़ाई। विजय के पताका दिए हम देव फहराई। देवताओं की मदद में देवलोक की ओर कूच किए सेना लेकर के। ऐसा संग्राम किया राजा दशरथ ने, त्राही त्राही मच गई देवलोक में। दैत्य देवलोक छोड़कर चल भाग भाग चले। आज तो देवता लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं है। राजा दशरथ संगे कैसन बर्ताव होता देवलोक में, मास्टर गीत बदल गए। I'm
लोक नर्क लोक का भ्रमण कर रहे हैं राजा दशरथ। जब स्वर्ग लोक की ओरी पहुँचल है तो परोजन से भेंट भई के रहल रूपा दिली पाया जाप रघु जिन के पूरा वही देवलोक में जब आगे बढ़लन तो मुँह फेर बाई खाला रहला सनिया देवा सनिया के अपने और आगे बढ़लन पूरा देवमंडल जयकारा कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति है जिस तरफ से राजा दशरथ का आना है उस तरफ पीठ किया है दूसरी तरफ मुंह किया है। वह व्यक्ति कौन था? भगवान शनि थे। राजा दशरथ की निगाह पड़ी क्रोधावेश में हुए तो किया क्या अपनी अपमान दशरथ भड़क क्रोधावा में हो कर रही है। मृतलोक के राजा दशरथ का जय जयकार हो रहा है देवलोक में। तो विरह शैली में कवि जी की लिखे भाई अरे चहे ता राजा दशरथ बन गए तो जंगी जंग बीच में जंग से बने विजेता अरे विजेता अरे विजेता क्रोध से लाल हुआ क्रोधावेश में हुआ गीत बदल गए मास्टर कवन गीतवान अजीत भैया कोनो मेहरारू अपने मर्द के रहन से बड़ी परेशान है बड़ी तकलीफ होके है। वो कहत बेका कलस ससुर न राम नहीं हरी हो जाइबे हम जरूर हो कि मिलल बासरा राजा दशरथ का हालात का भइल है ये भैया क्या खाना न धरि सुमारे तब उठाया हो कि सामी देव के मारे दशरथ सामी देव के मारे दशरथ चलन गुसियाया हो कि सामी देव के उठा लेते हैं हाथ में धनुष खींच लिए तरकस से तीर जो ही धनुष पे चढ़ा करके संधान करना चाहते हैं तब तक भगवान शनि गंगन गंगन काफे लगने लगता है। राजा दशरथ मेरी व्यवस्था को समझा नहीं मार डालेगा मुझे मरना तो निश्चित है। कम से कम इस महापुरुष का एक बार दीदार तो कर लूं जौन मेरे नगर की रक्षा किया। राजा दशरथ की ओरी जो ही भगवान शनि रुख घुमावत हुआ गजब हो गए भैल का अरे गईला घबराई समीप आए बाबू फेरला नजरिया अरे लागल पतिया गतबकी दशरथ के शरीर चलो लगो सी
दशरथ के धनुषिया से बड़वा छूटल नाये बाबू, तबले भगवान शनि के नजर ज्योति जब ही राजा दशरथ के शरीर पे पड़ल हम पूरी शरीर में आग लग गई। कहाँ तीर, कहाँ तेगा, कहाँ तलवार, कहाँ रथ, कहाँ रथिमान, पूरी बदन में आग लगी हुई है। आकाश मार्ग से जलते हुए इस धरातल की ओर आ रहे हैं। तो भैल का मास्टर गीत बदल गई। कितना प्रिय गीत बा श्याम कुमार भैया, ये मतारी बहन गावेली, बड़ा प्यार है गावेली गावेली काम। कमने की हरिया बवली गजरा मुहुराईया, दशरथ का हाल का भैले बिरहा सुन वाले भैया लो, अगिया में जा रही लगला दशरथ के तनावा हो, चलते के राजा दशरथ ओथमन आकाश में ही जात के पक्षी जेकर पौराण में नाम मिलेला जटाई, जटाई महाराज देखते देर नहीं लगी समझ गए, अपनी चोंच में राजा दशरथ को दबा लिए। आज अब दबौलन तो लेके अलन कहवान, अगिया बुझवला लाके सागर के किनारा हो, जीवन सलामत देखा दशरथ बोले पानी आया रे, दशरथ बोले पानी आता असमय में भाई असहाई जताई विधि, लेके समुद्र के किनारे अलन है जटायु महाराज। राजा दशरथ के शरीर के अग्नि के बुझौलन हम मूर्छा टूटल बे, जब बेहोशी से राजा दशरथ होश में आए, कहाँ रथ कहाँ रथवान, हम कहाँ रहली कहाँ है, पूछे लगलन सारी बात को बताया है वह जात का पक्षी जटायु। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया शब्द वेदी बाण का जनकार चक्रवर्ती राजा दशरथ, कहा जटायु महाराज आपके इस कार की कीमत मैं नहीं चुका सकता हूँ, फिर भी मुझसे कुछ मांग लीजिए, मैं हल्लू पात्र में नहीं ना है, हमारा नाम दशरथ अयोध्या का राजा है। जटायु कहले कि तू अयोध्या का राजा रहा अचाहे दुनिया का राजा रहा, हमारे एक कर्तव्य के आसान उपकार कह के लज्जित मत करा, हमार जो फर्ज रहे हम कैली। देखे मित्रों इंसान के अंदर तो इंसान का भाव होना स्वाभाविक है, लेकिन जात का पक्षी होते हुए जटाई बहुत बड़ी समाजवाद की स्थापना किया। बार बार राजा दशरथ के कहने पर जटायु महाराज कहलन के राजन राज राजधानी काफी दिन के छुटल हो, फिलहाल आप अपने राज के जाम समय आई तो देखल जाये। राजा दशरथ चलन हम लेकिन कहत कहत का कहलन गीत बदल गई।
पहले के जमाने में मेहरारू अजीत भैया जब मेला देखा जाए तो खूब मजे में हलवा पूरी बना ले, पकौड़ा बना ले, कोस दू कोस जाए के हो गावत बजावे चल दे, वो गावे गावे काम हे समारोह हे समारोह बह गई पीपर तरा नदिया राजा दशरथ चलत हो लेकिन जटायु महाराज से कह जात हो हे गीधे हे गीधा भूल बना तोहरे आसान के आई समय तुहसे हम अब बरदनवा अब फिलहाल लौटा राजा अपने भवन कि जा राजन समय आई तो देखल जाई कालन की कुछ ना ले बात हमके संतुष्टि न मिली। राजा दशरथ अयोध्या में अलन है एको आदि औलाद नहीं हमन हवन कुंड खीर से चार गो पुत्र पैदा भेल हूँ। बड़े दिनों के बाद अयोध्या के राजभवन में चार बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं। पूरे राजभवन में खुशी का माहौल है। पूरे अयोध्या नगरी की प्रजा राजभवन में इकट्ठा है, खुशी का इजहार हो रहा है। राजा दशरथ बड़ा खुश हुआ। रानी कैकेयी, रानी कौशल्या, रानी सुमित्रा के खुशी का ठिकाना नहीं है। पूरी प्रजा खुशी से झूम रही है। उस समय अयोध्या नगरी में मेहरारू सोहर गावत थी। कैसे गावत थी? अरे मोरे ललना के भाई लुटावे रात ना हो भवाना के
मंजे रहो, सब लोग मस्ती में झूमत बा, खुशी के इजहार करत बा। तब तक राजा दशरथ कुल गुरु वशिष्ठ राजभवन से बहरा निकलन हम अयोध्या नगरी के मुख्य गुम्बद की ओर निगाह गई। राजा दशरथ देखे कि एक विशाल पक्षी बैठा है, कुल गुरु को नजदीक बुलाए। कलन गुरु ई का हो? कलन राजन इत गीत बैठल है। कला मतलब कला जो ने राज के राजा के गुम्बद पे गिद्ध बैठा है, तो एक विनाश का संकेत है। बड़े दिनों के बाद खुशी आई है। राजा दशरथ अपने आप को रोक नहीं पाए, धनुष और बाण मंगाए। कैलन का मास्टर पहपट का भावा तो उठा लिए है कर में धनुष बनावा राजा दशरथ हो। राजा दशरथ हो भूल गईलन, हम ही बचावली जनावा हो। पहचान न पावली तुहे जटाई, और दई द क्षमा दनावा हो। जही बाण पे धनुष चढ़ा करके पक्षीराज जटाई के ऊपर छोड़ना चाहते हैं, तले जटाई को अलन के राजन तने रुक जा, हमार बात सुन के तब बाण चलाया। गुम्बद पर से उतरा, नजदीक आया जटाई, कहा राजन भूल गए हम ही जटाई हुई। तब राजा जटाई का नाम सुनते प्लास्टिक के नाधा मतिन बटुर गए, हाथ से धनुष बाण छूट गए। कलन क्षमा कर दीजिए पक्षीराज, मैं पहचान नहीं पाया, बहुत बड़ा अपराध होने जा रहा था मुझसे। कलन छोड़ा जाएगा, हाउ बात तुम्हें याद है ना, याद दिला रहा है क्या? अरे जहले रहल हम के जो पर दनवा राजा दशरथ हो। आज धान में दई दऊ है अपन ललनवा राजा दशरथ हो। पक्षीराज अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, आइए। कला हमार स्वागत हो गया, तुम्हें ख्याल हो ना, तू देत रहला हम ना लेत रहले, आप वचन देले रहला। जटायु मांग रहा है आपसे जो ने लड़का के खुशी का इजहार इस बड़े पैमाने पर आप कर रहे हैं, वह लड़का आज हमके दान में देता। गौर करिएगा, बड़े दिनों के बाद अयोध्या में खुशी लौटी है। एक पुत्र के लिए चाहे मानव हो, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, दुनिया का कोई कोर नहीं छोड़ता है। राजा दशरथ कहलन का मास्टर अल्लाह के भावत ने ठीक पर्दा लगा ला के बोले हैं जटाई से तबर अरो के राजा दशरथ भैया। I'm
कालन जटाई के जोने लड़कवा के जन्मोत्सव मनावत हुआ वह देदा दान में कालन पक्षी राज मेरा कलेजा ले लीजिए हीरा जवाहरा सोना चांदी हवेली बंगला दुनिया की कोई वस्तु ले लीजिए लेकिन हमरे राम के मत मांगा। टूट गए राजा दशरथ कलन के राजा तोरे खानदान का नीत रहल रीत रहल रहुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचन तो आप इनकार कर दा हम जाई हमें कोनो जरूरी ना हो हीरा जवाहरा सोना चांदी गाड़ी घोड़ा हवेली बंगला हमके न चाहिए। मजबूर हो गए राजा दशरथ विवश हो करके पुत्र दान कर दिए राजा दशरथ जटायु महाराज को पक्षी राज जटाई बाल अवस्था में भगवान राम हमन चोंच में दबाया है लेकर उड़ा दक्षिण दिशा की ओर गया बियाबान जंगल में गया भगवान को नीचे उतारा सष्टांग प्रणाम कर रहा है पक्षी जटायु कहा सरकार तोहरे महिमा के जानत है प्रभु एक बार स्वामी एक बार अपने इस दास को अपने सेवक को दर्शन दीजिए प्रभु। उसी बियाबान जंगल में बाल अवस्था त्याग करके भगवान राम विष्णु रूप में गदा पदम शंख चक्र लेकर के प्रकट हुए भक्तराज जटाई को दर्शन दिए कहे भक्त क्या तू मांगना चाहता है मांग ले तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ अति प्रसन्न हूँ जटाई जो तुझे मांगना हो मांग लीजिए। याद रहे चाहता जटाई तो बहुत कुछ मांग सकता था स्वतः दुनिया के रचनाकार उसके सामने खड़ा है लेकिन मांगा क्या मांगा मास्टर संस्कार रघुबर ये बहादुर जी कहा कि प्रभु जब मेरा अंतिम दिन अंतिम समय आए तो इस भक्त की इच्छा इतना ही है कि आप अपने हाथ से मेरा अंतिम दाह संस्कार करके तारन तार कर दीजिएगा। एवं मस्त कह करके भगवान राम बाल्यवस्था विष्णु भगवान बाल्यवस्था में हुए चोंच में दबाया है पक्षीराज ले आया अयोध्या के राजभवन में रख कर फिर अपने वतन को चल दिया। काफी समय बीती सीता स्वयंवर हुआ दुल्हन बन के मैया जानकी सीता अयोध्या में ली भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। पंचवटी कुटिया से रावण हरण करके जनक नंदनी सीता को लेकर आकाश मार्ग से जा रहा था लंका तब तक हाय राम की आवाज जटायु के कान तक जाती है। जटायु के राज ठिकाने के ऊपर से ही जा रहा था पुष्पक विमान रावण का आकाश मार्ग में ही अब घेर लेता है वह पक्षी जटाई प्रमाण मिलता है इतना घोर संग्राम करता है रावण से उस आकाश मार्ग में ही एक बार दो बार नहीं बल्कि 7 बार मूर्छित किया रावण को। जैसे रावण को लगा कि मैं सीता को लेकर लंका नहीं पहुंच पाऊंगा एक छोटी सी गलती कर बैठा जटायु जब रावण टूट गया जटायु कलन की बाह बारे रावण तूने देवताओं पर विजय प्राप्त किया था वरुण देव जैसे लोग तेरे पानी भरते थे कहां गई तेरी वीरता अरे सब तेरी विद्या फेल हो गई तो कहां गया तेरा अग्नि बाण। रावण को ख्याल हुआ आवाहन किया अग्नि बाण का जो ही धनुष पर चढ़ा करके संधान करता है जटायु के पंख जल गए बाबू अधमरा होकर के आकाश से नीचे गिर गया। सीता जी के खोजत जब भगवान बने बने जंगले जंगले पहुंचल हो जटायु के पास पूरी बात को जटायु बताया है वही जब भगवान फर्ज करिएगा हमने बताया कि एक पुत्र के लिए दुनिया परेशान होती है
यहाँ बने के अला राजा दशरथ के मरण हो गए। अयोध्या भगवान ना लौटलन अपने बाप का दाह संस्कार करे बदे, लेकिन यहाँ जटाई को क्या कैलन पिता का राम संसकर संस्कार रघु ये रही उपकार की कीमत। विराह की अंतिम लाइन में कहना है तो गुरु बिहारी रमन बेचने अब श्यामा सीतारा